दोस्तों आज आप लोगों के बीच में एक बहुत अच्छी बात लेके आया हूँ आप लोगों के पास। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोगों। पूछा था, ये इनका स्नैपशॉट आ रहा है, इन्होंने कुछ पैसे एटीएम से विड्रॉल किए हैं, कुछ इन्होंने शॉपिंग की है और कुछ इन्होंने पेमेंट्स कर दिया है, और पूछ रहे कि भाई मेरे को कितना और पेमेंट करना है। तो भाई आपको मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि आपने जो एटीएम से पैसा विड्रॉल किया है ना, वो आपने बहुत गलत काम कर लिया है। एटीएम से पैसा विड्रॉल करने पर 3.5% का ब्याज सेम डे से भैया बैंक लगाता है, कुछ प्रोसेसिंग फीस लगाता है, चार्जेस लगाता है और 3.5% का ब्याज रोज़ लगाता है। तो आपने बहुत बड़ी गलती कर ली है, तो आप फंस चुके हो थोड़ा सा। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा भैया, पैसे हैं तो जो आपने निकाला है ना उसको पेमेंट कर दो। अगर आपको इमरजेंसी थी भाई पैसे निकालने की, तो यार कोई वैलेट में ऐड करके निकाल लेते, किसी दुकान वाले के पास जाके आप कार्ड स्वैप करा के पैसे ले लेते, किसी पेट्रोल पंप वाले को बोलते वो आपको निकाल के दे देता। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि पैसा एटीएम से क्रेडिट कार्ड से भाई कभी ना निकालना। आप टर्म एंड कंडीशन पढ़ लीजिएगा, बहुत महंगा ब्याज होता है भाई, बर्बाद कर देगा इंसान को। 1000 रुपये वो एक महीने में 2000, और न पेमेंट करो ना फिर देखो क्या हालत करता है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। 3.5% का रोज़ का ब्याज लग रहा है भैया, वो 1000 रुपये जो भी आपने निकाला है, बाकी आपने जो परचेजिंग की है उसको तो आप ईएमआई पे भी करवा सकते हो, वो स्टेटमेंट जनरेट होने पे आप ईएमआई पे करवा सकते हो। आपने जो कुछ पेमेंट किया है ना वो तो ब्याज में ही चला जाएगा, इसलिए आप कस्टमर केयर से बात करिए। या आपके पास पैसा है तो ये 1000 रुपये प्लस ये पैसा जो आपका बैलेंस है ये सारा मिला के मैक्सिमम आप स्टेटमेंट देखो और पेमेंट कर दो, एटीएम से नहीं निकालिएगा। क्रेडिट कार्ड का जो चंगुल में आप फंस चुके हो वो बुरा है, उससे आप बाहर निकल जाओ। क्रेडिट कार्ड से एटीएम से भैया गलती से ही पैसे ना निकालना। यार आजकल तो पेटीएम है और पेज़ैप है, इस टाइप के ऐप हैं, आप उनमें ऐड करके निकालो ना, वैलेट रीलोडेड करके अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। कुछ पैसा लगता है, 4% 3% लगता है, लेकिन यार 40% के मुकाबले सस्ता पड़ता है। इमरजेंसी है तो ना, जान पहचान है तो कोई ग्रोसरी वाले को कहो स्वैप कर दे भाई, पेट्रोल पंप वाले को बोलो स्वैप कर दे, कर ही देगा यार। उनको 2% दे दो ना यार, उनकी हेल्प, उनको भी पैसे मिल जाएगा, आपकी भी हेल्प हो जाएगी। ऑलरेडी मैंने बना रखा है साइकिल पीरियड पे वीडियो की साइकिल पीरियड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड का एडवांटेज क्या होता है, एटीएम से क्यों नहीं पैसे निकालने चाहिए। यार आप लोगों के पास अगर कार्ड है ना तो आप प्लीज़ एडवांटेज और डिसएडवांटेज की वीडियो मैंने जो बनाई है उसको ज़रूर देखो, उसमें आपको पता चलेगा कि कार्ड से आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हो और कैसे आपको आप कार्ड के चंगुल में फंस सकते हो। क्या ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल बटन दबाइए। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना, और भैया कोई कमेंट्स करोगे तो अच्छा लगेगा। बाय बाय, टाटा, सी यू।